Assalamualaikum and Assalamualaikum everyone, and a very warm welcome to my all YouTube viewers. आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल सारा के संग संग, और आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे चाइनीज राइस. तो स्टे ट्यून्ड विद अस. आर्ट हो या क्राफ्ट हो, कुकिंग हो या बेकिंग हो, फैशन हो या रिव्यू हो, रही है सारा के साथ. जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने सबसे पहले यानी कि ऑलमोस्ट 1 kg के करीब करीब राइस लिया, और सबसे पहले हमने उसको बॉईल करके उसको साइड पे कर देना है. इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने यानी कि एक बंद गोभी ली है, 2 शिमला लिए, 1 गाजर ली, और हमने इसे करनी है कटिंग, जूलियन कटिंग. तो चले आए कट करके जल्दी से वापस आते हैं. जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारी बंद गोभी, शिमला मिर्च और जो गाजर थी वो कट हो गई है. अब हमने इसको करना है हल्का सा शैलो फ्राई. लेकिन उससे पहले एक अहम चीज हम आपको बताते चले. This is salt, this is black pepper, this is soy sauce. तो चलो शुरू करते हैं. जी तो व्यूवर्स, चाइनीज राइस में शैलो फ्राई करते हुए वेजिटेबल्स को, या वो राइस हो या वो चिकन हो, हमने नमक, काली मिर्च और सोया सॉस लाजमी ऐड करना है हर जगह पे, हर चीज में. ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं चाइनीज राइस के. हमने कुछ भी फ्राई करना, हमने इन्हीं 3 चीज को मेजर ऐड करना है. जी तो सबसे पहले हम लोगों ने गाजरों को फ्राई किया, और इसमें हमने सबसे पहले नमक, काली मिर्च और सोया सॉस डाला अपने वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग. इसके बाद हम लोग फ्राई करेंगे शिमला मिर्च, और वही 3 चीज डालेंगे इसके अकॉर्डिंग. इसके बाद हमने यानी कि बंद गोभी को हल्का सा फ्राई किया है, और इसमें हमने जरा सी काली मिर्च, नमक और सोया सॉस ऐड किया है. स्टेप नंबर 4 में हमने बॉइल्ड चिकन लिया, और हमने इसकी श्रेड्स बनाने हैं, और श्रेड्स बना के हम लोग इसको फ्राई करेंगे. जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो हमने इसको भी यानी कि नमक, काली मिर्च, सोया सॉस में ही फ्राई करना है. अब हमने फाइनल स्टेज पे करनी है असेंबलिंग. हमने सबसे पहले पैन को ग्रीस किया, उस पर हमने बॉइल्ड राइस डाले, और कुछ 2 से 3 चम्मच ऑयल हमने इसके ऊपर से भी डाला. उसके बाद हमने इसमें फ्राइड कैरेट्स डाले. जी तो व्यूवर्स, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे कैप्सिकम, और उसके बाद फिर हम लोगों ने डालना है बंद गोभी. अब यहाँ पे हम 2 से 3 टेबल स्पून जो है हमने ब्लैक पेपर डालना है, और ये हमने डालना है अपने राइस के अकॉर्डिंग. और इसके बाद हम लोग नमक ऐड करेंगे, और नमक भी हमारा जो हमारे राइस के अकॉर्डिंग जाएगा. जैसे मैंने यहाँ पे 1 kg राइस लिया, तो मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें डाले. उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ शेडेड चिकन. जी तो व्यूवर्स, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस के, और सोया सॉस और ब्लैक पेपर वो मेन चीज है जो हमारे चावलों में फ्लेवर लेके आएंगे. और उसके बाद 15 से 20 मिनट चावलों को ढक के जो है दम के लिए रख दूंगी लो फ्लेम पे. उसके बाद मैंने 2 अंडे लिए, इसको बीट किया, इसको फेंटा, और इसको हल्का सा मैंने जो है यानी कि रैंडम कुक किया. उसके बाद उसके पीसेस किया, और उन पीसेस को फिर मैंने इन चावलों के ऊपर जो है ना यानी कि स्प्रेड करना है. इसके बाद फिर हम लोग इसको दोबारा 5 मिनट के लिए दम देंगे, और फिर उसके बाद फिर हमने इसे मिक्स करना है. अंडों के साथ जो है इन चावलों में बहुत निखार आ जाता है, और एक अलग सी ही यानी कि इनकी लुक लगती है. तो आइए फिर चलते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए. दोस्तों, ये जो मैंने ये बनाई है वो ये बचे बहुत ही मजेदार, स्पाइसी और मजे का बना है. सही है, तो ये देख ले कैसा मजे का बना है. सही है, और ये सबका फेवरेट जो के सबकी फेवरेट. जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही यम्मी और बहुत ही खतरनाक किस्म की चाइनीज राइस बने हैं. हमने इसको सर्व किया है चिकन शैशली के साथ. आप लोग सर्व कर सकते हैं चिकन जिंजर, चिकन चिलफ्रेजी या चिकन चाउमिन के साथ भी. लेकिन यहाँ पे ये बात है कि जो चाइनीज राइस है वो बहुत ही यम्मी थे, और आप लोग एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, और मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड कीप वॉचिंग सारा के संग संग.